सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस के टेक इनोवेशन। सो मेरे पास यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट्स आप लगातार देख पा रहे होंगे। हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको तक लेके आ रहा हूँ, जो भी छात्रवृत्ति के से रिलेटेड मिल रही है मुझे। सो इसमें भी मेरे पास हैं दो तीन अपडेट्स जो कि मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने। सो चलिए आपको ले चलता हूँ उस अपडेट की तरफ कि क्या अपडेट है, क्या गलतियाँ छात्र कर रहे हैं और क्या तारीख बढ़ाने पर समाज कल्याण अधिकारी ने बोला। सो इस पर बात करेंगे। चलिए ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतने एफर्ट करके आपके लिए मैं न्यूज़ जो भी छोटी बड़ी रहता है सारी ला कर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आपका इतना बनता है मेरे लिए। सो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो क्या अपडेट है ये ले चलता हूँ आपको। सो ये देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये देखो, ये 4:30 बजे की देखिए न्यूज़ है, मैं ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, फ्राइडे की है ये, बागपत की है। इसमें क्या है कि छात्रवृत्ति के 999 आवेदन में 700 में मिली त्रुटियाँ। मतलब 999 टोटल देखिए आवेदन थे, उसमें से 700 तो मतलब रिजेक्ट ही होगा एक तरह से इनकी तरफ से, तो मतलब सिर्फ 299 बच रहे हैं। क्या गलतियां इन्होंने सबने की हैं वो उस पर आइए बात करते हैं आपको कि क्या गलतियां इन्होंने की हैं। सो इन्होंने गलतियां क्या की हैं उस पर देखिए। पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लिए किए गए आवेदनों में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को त्रुटियों की भरमार मिली है। मतलब वही है कि आवेदन जो 7 नंबर तक 15 नंबर तक जिनका आगे चला गया है उनको अब इन्होंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, तेज़ी से काम कर रहा है उस पर, क्योंकि दिसंबर में छात्रवृत्ति देनी है। सो जिस पर त्रुटियां दुरुस्त कराने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा, वही है कि गलतियों को सुधारने के लिए पत्र लिखा है कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। शासन से मिलने वाली पूर्व दशक छात्रवृत्ति के लिए जिले भर के विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10वीं के छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। ये है वही पूर्व दशम वालों के लिए है, पूर्व दशक, जिसका डेटा पोर्टल पर अपलोड किए जाने के बाद जांच की गई थी, उसमें कई कमियां मिली हैं। कमियां क्या कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं ये वो देख लेते हैं। ये देखिए, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तुलिका शर्मा ने बताया कि अधिकांश छात्रों का आवेदन में उपस्थिति प्रतिशत की जगह अंकों का प्रतिशत अंकित किया गया है। मतलब एक ऑप्शन है एप्लीकेशन में जहाँ पे आपको कितना आप लोग प्रेजेंट, आपकी अटेंडेंस, आपको मतलब कि कितना प्रेजेंट रहे हो वो आपको फिलअप करनी थी, तो वहाँ पर छात्रों ने अपना क्या कर दिया, वहाँ पर अपने परसेंटेज डाल दिया उन्होंने कितना उनके आए हैं, जो कि यही गलती हो रखी है। देखिए इन्होंने बताया ना कि अधिकांश छात्रों के आवेदन में उपस्थिति प्रतिशत की जगह अंकों का प्रतिशत अंकित किया गया। वही गलतियां सब लोग कर रहे हैं कि जहां पर अटेंडेंस फिलअप करनी थी कितने परसेंट आप प्रेजेंट रहे हो, वहाँ पर लोग अपना परसेंटेज फिलअप कर दे रहे हैं कि कितने आए हैं। सो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए 700 लोगों में ये चीज़ें गलतियाँ आई हैं, सो ये आपको गलती नहीं करनी, इसलिए मैं आपको एक छोटी बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको जब पोर्टल तो दिसंबर में ओपन हो जाएगा सो तब आपको ये गलतियां नहीं करनी है, आपको ये सब ध्यान रखनी है, छोटी बड़ी चीजें जो अभी निकल के आ रही हैं। सो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं आपको कि हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको अवगत कराता हूं। सो और दूसरा तो ये मैंने कल भी बताया था आपको कि आधार वही लिंक नहीं है 700 छात्रों में, तो आप देखो कि खातों में आधार कार्ड ही लिंक नहीं है 700 ऐसे स्टूडेंट हैं। आप सोचो 999 में 700 लोगों का तो ऐसे ही आधार ही लिंक नहीं, जबकि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि आधार लिंक करा लो अपने अकाउंट में, नहीं तो वो आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी, वापस चली जाएगी पैसा। देखो लिखा भी है कि जिस कारण छात्रवृत्ति की धनराशि उनके खातों में नहीं जा पाएगी, इसके लिए पहले त्रुटियों को दूर करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा है। इसके लिए छात्र छात्राओं को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक कराना होगा। 5 दिसंबर डेटा लॉक करने की तिथि निर्धारित की गई है, वही 5 दिसंबर तक के लोग लेके चल रहे हैं 15 नवंबर वालों का, ताकि वो अपना फाइनल डेटा लॉक कर सकें इस त्रुटियों को सही करने के बाद। सो अब दूसरी बात पे कर लेते हैं कि जैसे इसमें एक और चीज़ है कि तारीख बढ़ने पर क्या बोला। तो इन्होंने, आप देखो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है, तारीख बढ़ने वाली बात पर इन्होंने कोई बात भी नहीं करी, उस बारे में इनको कोई अपडेट भी नहीं है। सो इन्होंने कोई बात नहीं करी उसमें। सो लेकिन जहाँ तक अपडेट मिले दिसंबर तक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले यूट्यूब पर बताया था कि दिसंबर में आपको पोर्टल दोबारा ओपन होता दिख जाएगा, सो वहीं पर रहेंगे। और ये देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं आज की अखबार का, इसका इससे कोई मतलब वो नहीं है, डायरेक्ट स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो नहीं है। छात्रों के जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, योगी जी ने कल भाषण में प्रयागराज में ये चीज़ बोला है। सो अब देखिए इन्होंने ऐसा बोला तो है कि भविष्य से मतलब कोई जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो वो भी नहीं करेंगे आपके साथ स्कॉलरशिप के लिए। सो इन्होंने देखिए लिखा है, आश्वस्त किया है नौजवानों को कि हर योजना का आपको लाभ दिया जाएगा। सो छात्रों के जीवन से देखिए लिखा है ना, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, सो नहीं करेंगे खिलवाड़, देखते हैं आपको पोर्टल खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, खुलेगा ही दिसंबर में जहाँ तक अपडेट है। सो चलिए गाइस, इस वाली अपडेट में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।